क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि आज हम लोग हल्दी में पहुंचने वाले हैं। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल, मैं हूँ आरती। सो कैसे हो आप सब? तो गाइस, जिस चीज़ का हमें इतने टाइम से इंतजार था, फाइनली वो चीज़ आज है, हाइफा की हल्दी। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हल्दी के लिए थीम है ग्रीन, और सब लोगों का मेरा गाइस सबसे पहले मैंने अपने कपड़े डिसाइड कर ली थी कि मुझे क्या पहनना है क्या नहीं। मैंने खरीद वरीद ली थी। मैंने सबसे बड़ी गलती ये करी कि मैंने पहन कर ट्राई नहीं करी, एंड अभी एंड मोमेंट पे मुझे इतना पछतावा हो रहा है उस चीज़ का, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम आ गई है वो कपड़े में। तो मुझे वो ठीक कराने के लिए अभी जाना पड़ रहा है टेलर के पास। तो अभी मैं जा रही हूँ टेलर के पास, और गाइज आज ही हल्दी है। मतलब ये चीज़, मतलब एक सीख मिल गई है मुझे कि कोई भी चीज़ एंड मोमेंट पे नहीं करना चाहिए, आपको पहले ही वो चीज़ देख लेनी चाहिए और उसको पहले ही सब कर लेना चाहिए। मैं बहुत फुर्सत में थी कि अरे हाँ, कपड़ा तो हो गया है मेरे पास, है मेरे पास, ये इंटेंशन में मैं थी, और अभी देखो एंड मोमेंट में मुझे प्रॉब्लम आ गई। तो अभी यहाँ पे तो कोई टेलर अवेलेबल है नहीं जो ऑन द स्पॉट चीज़ें चेंज करके दे, और हम लोग को पहुँचना भी है वहाँ पे। तो अभी देखते हैं, एक मेरे पहचान वाले हैं टेलर अंकल, तो उनके पास मैं जा रही हूँ, तो वो शायद ये चीज़ करके दे देवे। तो अरसू भी रेडी है, वो भी मेरा कब से वेट कर रहा है, तो मैंने उसको बताई कि ऐसे ऐसा प्रॉब्लम हो गया। जैसे बोला ठीक है कोई नहीं, आराम से तुम आओ, अपन पहुँच जाएंगे टाइम से, मैं हूँ टेंशन नहीं है। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो अभी मैं जा रही हूँ टेलर के पास, तो एक बार जाके देखते हैं कि कैसे क्या होता है। बस होप सो कि वो अंकल रहे अवेलेबल, क्योंकि दो अंकल लोग बैठते हैं, तो एक अंकल जो जिनके पास मैं फिटिंग करवाती हूँ तो वो रहना चाहिए अवेलेबल, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आज मेरा पूरा मूड ख़राब हो जाएगा गाइस फंक्शन के अंदर, क्योंकि मेरे को बहुत, मतलब बहुत इच्छा से ये कपड़ा पहनना था। तो चलो देखते हैं, कोई नहीं, सो लेट्स गो। सो गाइस, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि टेलर मान ही नहीं देता। सो गाइस, फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि अब जब कुछ ऑप्शन नहीं मिला तो अरे बस करो। तो अरसू ने बोला मेरा एक टेलर है उसके पास जाते, तो अभी हमें वहाँ पर ही आ रहे हैं। टेलर के पास क्या करोगे? तो गाइस ये पागल हो गया बंदा। तो अभी हम लोग वहाँ पे टाइट करवा लेंगे, एंड फिर उसके बाद में हम निकलेंगे और जाएंगे वहाँ, जाएंगे हल्दी में। हल्दी फंक्शन बहुत दूर है यहाँ से गाइस, मतलब वो लोगों के लिए, हम लोग के लिए तो बहुत नजदीक है। नहीं, अपने लिए भी थोड़ा बहुत तो दूर ही है। लेकिन पहुँच जाएंगे ना हम लोग जल्दी से जल्दी। तो गाइस अभी हम लोग मार्केट में आए हैं, तो चलो फटाफट काम। हम लोग को मालूम ही नहीं है हम लोग क्या डांस करने वाले। क्यों? मतलब मेरे को पता है, को पता है ना, मेरे को तो नहीं पता है। क्यों? मैं तो सब भूल गया। अरे गाइस, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा हल्दी का हम लोग ने कपड़ा कर लिए, लेकिन हम लोग शादी का कपड़ा नहीं कर रहे। तो अभी चलो चलते, अगर इधर कोई अच्छा लगा तो ले लो अरसू। हाँ ले लो। तो गाइस चलो चलते हैं भाई, जरी गोटे वाला कपड़ा। सो गाइस, फाइनली मेरी टेंशन का हल, गाइस फाइनली मेरे परेशानी का हल मिल गया है और मेरा काम हो गया है। जो मेरा टेलर था वो आगे से परेशान हो गया। मैं तो यूजुअली मैं जाता हूँ ना मेरे टेलर अंकल के पास, तो वो चाय ठंडा वंडा मिला, मतलब बुलाते इसको देख के सिर्फ पानी, मतलब पानी तो तुमको तभी बोलना चाहिए था ना। अरे छोड़ो वो सब चाय वाय, मेरे को बस ऐसा था कि मेरा काम हो जाना चाहिए, और गाइस मेरा काम हो गया। तो अरे मोमेंट में पता चला ना कि ये सब मसले हैं। हाँ हाँ, लेकिन गाइस एनीवेज हो गया है, अभी हम लोग निकलेंगे ना। लेट हो गए गाइस, बहुत लेट हो गए हैं। और गाइस मेरे को इतना लेट हो रहा है, खुद बोल रही थी टाइम पास, मतलब खुद वहाँ पे खड़े रहकर घड़ियाँ देख रहा था। क्या देख रहा था? घड़ियाँ। अरे तुम अभी टेलर के पास तुम वो कर रहे हो और मैं टाइम पास भी नहीं करूँगी। तो गाइस बहुत यहाँ पे कर रही है, तो अभी हम लोग निकलते हैं, तो मैं आपको मिलती हूँ वहाँ पे। गाइस मुझे लगता नहीं है कि आज हम लोग हल्दी में पहुँचने वाले हैं, क्योंकि अभी अरसू की बाइक खराब हो गई है। हम लोग उसको बनाने के लिए रुके, मतलब मार्केट के थोड़ा के रुके, उसको चालू करने के लिए। वही चालू हो गई तो खटारा हालत में भी लेके जाऊंगा, लेकिन पहुंचूंगा हल्दी में। बहुत परेशान हो गया हूं मैं। गाइस हम लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो गए, इतना इरिटेट हो गए और फ्रस्ट्रेट हो गए, क्योंकि एक एक मुसीबत आया ही जा रही है, आया जा रही है। हम लोग जितना सोच रहे थे जिसको अवॉइड करें और पहुंच जाए फटाफट, और मिठाई देखो कितनी सारी ली हम लोग ने, और मुझे पता नहीं किसकी नजर लग गई है हम दोनों को कि हम लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हल्दी में। नजर लगाने वाले को पूछो पाए हम लोग हल्दी में जा सकते कि नहीं जा सकते, जाए ना। हाँ यार,
ऐसा क्यों कर रहे हो जो भी हो, प्लीज ऐसा मत करो, हम लोग पहुंचते तो गाइस, तो अब जल्द से जल्द तो अब रुकाना ही नहीं, अब चालू करो, कोशिश करो गाइस। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं बाइक चालू करने की, मेरी बाइक भी चल गई क्या, चलो देखते हैं फटफट पहुंच जाएंगे। गाइस अभी मैं ब्लॉग रख देती हूँ, डायरेक्ट आपको जाएंगे हम लोग अल्टा में। गाइस ये वो अटल सेतु वाले ब्रिज को अल्टा बोल रही है। गाइस स्लिप ऑफ टंग इज नॉट अ मिस्टेक ऑफ माइंड, अच्छे बार स्लिप हो गई, बस कर लो, चलो चलो जल्दी चलो। सो गाइस चलो हम लोग चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं वहीं पर हल्दी में डायरेक्ट। डांस प्रैक्टिस हम लोग बाइक पे ही करने वाले हैं गाइस, चलिए। तो गाइस जिस चीज का इतना बेसब्री से इंतजार था फाइनली वो चीज हो गई है, फाइनली वो चीज़ आ गई है। तो गाइज आज है हाइफा की हल्दी और हम लोग सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और मैं अपना पूरा आउटफिट आपको थोड़े ही टाइम में बताऊंगी। अभी जस्ट हम लोग पहुँचे हैं हॉल में और यहाँ पे लोग की सब तैयारी चालू है, बताओ ये देखो सब अपना, और दुल्हन यहाँ पे बैठी है। सो गाइज चलो सब तैयारी करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइज अभी हम लोग थोड़ा ऊपर आए हैं, ऐसे ही जहाँ पे खाना होने वाला है वहाँ पे बैठ के देखने के लिए, और इन लोग की प्रैक्टिस चालू है, एक लास्ट बार प्रैक्टिस कर रहे गाइस हम लोग, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा, मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, हालांकि इतना कभी होता नहीं है लेकिन अभी हो रहा है, तो एनीवेज चलो देखते हैं। सो गाइस दिस इज माय होल आउटफिट, ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगा, क्या बात है क्या बात है, मेरी वजह से फ्रेम में अच्छे, मतलब कैमरा वाले फ्रेम में अच्छे लग रहे हो, ब्यूटीफुल छा गया इस वजह से, इसलिए गाइस मैं जाना चाहूंगा अभी ताकि हाँ काला टीका बन के आ जाओ। तो गाइस कमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरा आउटफिट कैसा लगा, गाइस आप लोग कभी बताना जरा। यस हमारा डांस देखना भूलना नहीं, हाय गाइस, हाय बाल्टू में गाइस। सो गाइज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम लोग ऑन टाइम पहुँचे, टाइम से पहले पहुँचे, और वो भी सिर्फ मेरे वजह से गाइज, क्योंकि मैंने इस बार जिम्मेदारी उठाई कि नई अर्सू टाइम पे जाना है। भाई ये सच है, मैंने अभी जिम्मेदारी लेना सीख गई हूँ गाइज, इसके लिए हम लोग अभी जल्दी जाएंगे, कहाँ कहीं भी जाएंगे तो जल्दी। गाइज वापस हम लोग आ गए नीचे से ऊपर, वापस एक बार प्रैक्टिस करने वाले, देखो सब लोग कैसे यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं ऑडियंस की तरह, अभी वो देंगे क्या बोलते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे कि कैसा लगा डांस, ये देखो, और हम सब गाइज ग्रीन है, फुल ग्रीन, दम ग्रीन है हर जगह पे, तो अभी फाइनल परफॉर्मेंस का टाइम नहीं, रसम का टाइम है, तो अभी चलते हैं नीचे वापस। सो गाइज अभी रसम स्टार्ट हो गई है, दूल्हा दुल्हन यहाँ पे बैठे, मैं आगे नहीं जा रही थी, क्या हो रहा है तुम लोगों को, अबे तुम थोड़ी हो चमक रहे, थैंक्स ब्रो, मेहनत तो पसीना है गाइस। मैं इसके लिए आगे नहीं जा रही बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा है, क्योंकि इन लोग की पूरी फैमिली है, इसलिए थोड़ा रुकूंगी फिर बाद में जाऊंगी। ये आरती करने गई है, उदापी और हाइफा अपने में लगे हुए हैं खड़े हुए, सिर्फ उदापी ये सोच रही कि मेरे को पैसा कब मिलेगा, मिलेगा ब्रो, सही है। गाइस यहाँ पे हल्दी में ये लोग गुटखा खा के आए, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है, कैसा बोलता है वो वो जो तुम बोल रहे थे अभी, एक्टिंग मत करो, सीधा बोलो कैसा गाइस है ना, हम लोग एक क्रिएटर की ना नकल उठा रहे, मतलब वो जो मिष्टी खाएगी क्या, मिष्टी वही क्या नाम तो अमन भाई, तुम अजीब मोटे जी, तुम मोटे क्यों लग रहे हो मेरे को अचानक से, मैं भी बोला तुमको कोई भरा फेस क्यों,